हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? तो आज हम चुके हैं टीएस सिंहदेव के एक नर्सरी में, प्लांटेशन जिसको बोलते हैं। हम यहाँ पे नोट करके रख लिए क्योंकि यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे जानकारी इकट्ठा किए और जानकारी इकट्ठा करने के बाद यहाँ के बारे में जाने। और पीछे देख रहे हो, ये नर्सरी का प्लांटेशन का वो जगह है जिसमें टीएस सिंहदेव के पूर्वज यहाँ पे शिकार करने आते थे। और यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर, मोर, मयूर, जंगली भालू, सुअर, कई तरह के जानवर यहाँ पे हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हो आप, पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ। और उसके अलावा सामने एक मकान दिख रहा है हमको, उस मकान के पास जा रहे हैं और वहाँ पे देखेंगे कि मतलब किस टाइप का है जगह। सबसे पहले तो अपना ब्लूटूथ डाल लेते हैं। प्लांटेशन का ये बेहद खूबसूरत, ये टीएस सिंहदेव के पूर्वजों के टाइम पे ये था और ये टूट चुका है मकान, महल, जो शिकार के टाइम में जिसको लॉज बोलते हैं, शिकार करने आते हैं तो यहाँ पे ठहरते थे। क्या स्मेल दे रहे हो खड़ी खड़ी यहाँ पे? ये मकान काफ़ी पुराना हो चुका है, खिड़की उड़की सब टूट गया है और इसके जस्ट पीछे से निकलता है एक रास्ता, काफ़ी पुराना हो चुका है मंजर। ये है 50 साल पुराना एक मकान जिसके दरवाज़ा आज भी मजबूत है इसका। ये दरवाज़ा किस चीज़ से बना होगा यार? ये दरवाज़ा काफ़ी पुराना है, 60 साल हो गया होगा इसके ऊपर, 60 साल से ऊपर। टीएस सिंहदेव के पूर्वज यहाँ पे शिकार करने आते थे, ये कौन सा भाई? वाह, तो ये है खुफिया मंजर, दिखाओ यार मंजर। ये काफ़ी पुराना हो गया है, इसके अंदर ये चूना वगैरह रखा गया है और यहाँ चूहा हुआ काफ़ी ज़्यादा है, चौका चूहा हुआ दौड़ रहा है साला, डर लग रहा है। तो यहाँ टाइस है कि नहीं? यहाँ टाइस नहीं है, ये ढलाई किया गया है। तो ये टीएस सिंहदेव का अंबिकापुर में जो टीएस सिंहदेव है उनका ये एक प्लांटेशन है, प्लांटेशन। अबे भूख लग रहा है इसलिए नहीं बोल पा रहे, पुराना हो गया। यहाँ पे कुछ दूर आगे जाएंगे तो फुलवाही गढ़ा, भुलवाही देख के लगता नहीं है कि अभी टीएस सिंहदेव आते होंगे यहाँ, क्योंकि जब वो आएंगे तो यहाँ का साफ़ सफाई भी हो। वहाँ से जब रेस पंडोपारा खड़गवा कला अंबिकापुर रोड प्रतापपुर रोड चले भाई, भुलवाही गढ़ा। अबे अजीब बात कर रहे हो, भुलवा देगा यार, कुछ ज़्यादा खतरा तो उतर तो नहीं ना। ये प्लांटेशन का पिछला हिस्सा है। अभी ये अजीब मंजर है, यह चीज़ का है जो ये बना है, अजीब टाइप से पीछे का है, अजीब स्टार टाइप से है, मतलब प्लस टाइप से बना है वो। तो भुलवाही गढ़ा हम जा रहे हैं टीएस सिंहदेव के प्लांटेशन में घूम रहे हैं। प्लांटेशन ही बोलेंगे इसको, फुलवारी बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे फुलवारी। हाँ प्लांटेशन, अरे बुधन हमसे प्लांटेशन क्यों बन रहा है? नाक नाक जान गया पर 50 ईयर ओल्ड जो यहाँ के देख रेख करते हैं नान साय, 50 साल से ऊपर हो गया है उनका उम्र, हो भी हो रहा है 45 साल, तो उससे ऊपर हो सकता है। यहाँ पे जंगली जानवर हैं, राजू खतरा नहीं है कुछ सही में? तो यहाँ पे इतना डिटेल जानकारी पता नहीं था, तो हम कॉपी लेके चल रहे हैं साथ में, यहाँ पे जानकारी इकट्ठा किए हैं कुछ कुछ। यहाँ पे भुलवाही गढ़ के बारे में पता चला, अभी भुलवाही गढ़ा जा रहे थे, पत्थर का मौसम है, पत्थर की आवाज़ कर रहे हैं। मैं 1 किलोमीटर दूर है, चारों तरफ खूंखा भी लगा है। अब एक घर भी है कुछ, देखा घर मजे, वो घर है ना, यहाँ पे अजगर भी होते हैं भाई। तो सुबह के मौसम यहाँ है हमारे, सुबह का भी मौसम है भाई और सुबह सुबह हम निकल चुके अपने ब्लॉगिंग की ओर। अगर इस वीडियो में अगर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ढेर सारा प्यार दीजिए। और हम यहीं के हैं लोकल बस के भाई, यहाँ पे कांटा भी है भाई, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि हम ब्लॉगिंग। ये है टीएस सिंहदेव का, राजू पूरा प्लांटेशन है ना, ये पूरा जंगल है ना, तो ये पूरा जंगल टीएस सिंहदेव का है, अंबिकापुर के राजा माने जाते हैं, जो कांग्रेस के क्या है यार, कांग्रेस नेता हैं। हाँ हेल्थ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं ना, हेल्थ मिनिस्टर, पावर ऑफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हो सकता है। तो ये हमारे भाई साहब बोल रहे हैं भुलवाही गढ़ा, तो उसका मतलब होगा जहाँ भूल भुलैया। अबे यहाँ धान की भी खेती होती है क्या? ऐसा लग रहा है हम जंगल के बाहर निकल गए। कहाँ है गुजगुमाड़ा? गुजगुमाड़ा तो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे मोर, भालू, शेर, चीता, हाथी सब यहाँ पे निकलते हैं, खास करके मोर यहाँ पे है इस जंगल में, टीएस सिंहदेव के जंगल में, प्लांटेशन में। A few moments later. So guys, ये है भूल भुलैया गुजगुमाड़ा, पहुँच गए फाइनली यहाँ पे। पानी अभी नहीं निकल रहा है, बरसात के टाइम में झरना क्या देखने लायक होता है यहाँ पे टीएस सिंहदेव के प्लांटेशन में।
छी साला एकदम काटा है देखे पूरा लोअर खत्म। ये झरना यहाँ पे घास पानी भी नहीं है, यहाँ पे मोर वोर निकलते हैं। अबे है बे कुछ तो है, पानी निकल रहा है यहाँ पे। देवरा ढोड़ी चटना वो ये ढोड़ी है जिसे पानी निकलता है, यहाँ से पानी निकलता है। वे झरना है छोटा सा यस सिंह देव के प्लांटेशन में। मोर का आवाज आ रहा है, बड़ा मछली। यहाँ पे मोर भी है, रात के टाइम पे निकलते होंगे। ए भाई एडवेंचर कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अबे शॉर्टकट रास्ता तो ये है बे, ट्रैक्टर भी है इधर से चलें। तो एडवेंचर करने में काफी मजा आ रहा है क्योंकि जंगल में घूमने में थोड़ा दिल धुक 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 करता है। तो एडवेंचर भाई साहब के पीछे पीछे हम निकल पड़े। अबे तो साइड में है यार, बहुत चलवा दिए। वाह अभी दिल थोड़ा सा डर भागा मेरे को, जंगल के बाहर का देख के नजारा थोड़ा सा दिल भाग रहा है। तो ये बाहर की इलाका है। अबे तो वहाँ कैसा लगा आप सभी को एडवेंचर वीडियो? बहुत मजा लगा। डर लगा कि नहीं? नहीं लगा, डर लगा लेकिन डर नहीं लगा। क्या भाई इसका क्या मतलब है डर लगा कि नहीं लगा? तो बताओ कमेंट में करो कैसा लगा। हमारे साथ हमारा टीम और हम आए थे TS सिंहदेव के प्लांटेशन में जो काफ़ी बड़ा जंगल है। कम से कम कितना एकड़ में है जमीन? एकड़ों में है हा? तो यार हम सोचे उस रास्ते से घूम के हमको आना पड़ा, बल्कि ये शॉर्टकट पड़ा। तो हम काफ़ी थक गए, हमको भी डर लग रहा था जंगल में क्योंकि यहाँ रात के समय में यहाँ पे जंगली सुअर भी निकलते हैं और खरगोश मोर भालू हाथी सब हैं, लेकिन दिन के समय में यहाँ पे लुप्त हैं, दिखाई नहीं देते हैं, दिन के समय में लुप्त हैं। तो हमारा जो उधर है बाइक और उधर साइकिल उधर पार्क है, तो इधर से हम रिटर्न जाएंगे इस रास्ते से। ये रास्ता 1 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ जाने तक, काफ़ी दूर आ गए हैं। ये शॉर्टकट रास्ता था, इसमें हमको आना था, लेकिन हम लोग जंगल के रास्ते आए। और भाई साहब काफ़ी थक गए यार, गर्मी भी काफ़ी लग रहा है, भूख भी काफ़ी तेज लग रहा है। अब सबको भूख लग रहा है? तो भाई साहब लोग खिलाएंगे क्या? खिलाएंगे अभी, जंगली जंगल में कहाँ मिलेगा खाने? जंगली जानवर को खिला देंगे यहाँ पे, अब चलेंगे। है गाइस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो गाइस यार वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई साहब बोलो यार वीडियो के लिए लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर, ढेर सारा प्यार होना चाहिए, दबा के शेयर होना चाहिए। अब यार नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे यार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।